वसई पुलिस की लापरवाही के कारण एक कॉलेज युवती पर एक तरफा प्रेम द्वारा चाकू हल्ला होने की घटना सामने आई है। आरोपी शादी करने के हेतु से युवती से आए दिनों में मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था तथा ना कहने पर माता पिता को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत युवती ने वालू पुलिस स्टेशन में 24 फरवरी 2021 को दी थी। शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने उचित कार्रवाई न किए जाने की वजह से यह हमला होने का आरोप युवती ने लगाया है। बीती रात लगभग 10:15 बजे वसई पूर्व के एवरशाइन में यह युवती पर जितेंद्र ठाकरे नामक युवक ने चाकू से पेट की दाहिनी तरफ हमला कर दिया। वही जब युवती की मां बीच बचाव करने आई तो उसके दाहिने हाथ पर भी वार कर दिया। फिलहाल युवती का वसई के प्लैटिनम अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके अलावा चाकू से हमला करने के पश्चात जितेंद्र ठाकरे ने स्वयं जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, उसका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने के कारण यह घटना से युवती को गुजरना पड़ा था। साथ कार्रवाई न कर सिम कार्ड बदलने का सुझाव पुलिस द्वारा देने का भी आरोप युवती ने लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HP लाइव न्यूज़, वसई।